डॉक्टर राजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जसलोक अस्पताल से। वैक्सीन नहीं, ये एक उम्मीद है। डॉक्टर राजेश, क्या कहेंगे आप? जी उम्मीद तो है, वैक्सीन भी है, लेकिन उम्मीद काहे की है, वैक्सीन जिंदगी की की उम्मीद नहीं उम्मीद। है, उम्मीद आजादी की है कि जी सब लोग अभी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकेंगे। लेकिन हमको ये, जैसे डॉक्टर ट्रियान ने अभी हमको बताया कि हमको सावधान रहना चाहिए, शायद ये साल में भी हमारा जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स है वो सब चालू रखने पड़ेगी, तो उम्मीद तो रखना तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि 2021, डॉक्टर तेहान आपको भी याद होगा, जब हम और आप एक दूसरे को न्यू ईयर की विशेस कर रहे थे तो 2-0 पे मास्क आ जाता है, फिर 2-1 पे इंजेक्शन आ जाता है। जी, तो क्या माने कि 2021 उस इंजेक्शन के साथ और प्रिकॉशंस के साथ रहेगा, कम से कम 2022 की शुरुआत आजादी के साथ होगी डॉक्टर साहब? डॉक्टर तेहान, हाँ, तो जरूर होगी। अभी देखो, ये तो आप सोचना है हमें कि लोग इतने फटीग में आ गए हैं, जिसको कोविड फटीग कहिए, कैबिन फीवर कहिए, कि इसकी तो हमें, जब से ये चर्चा शुरू हुई है कि एक्सपर्ट पैनल ने अप्रूव किया है और DCGI आज उसको उस पर चर्चा करेगा, लोगों में इतना दिलों खुशी हुई है कि कभी ये हमें दिख रहा है कि किसी दिन हम फ्री मुक्त होंगे इस चीज से, कि ये मुक्ति हमें मिले कि हम अपनी लाइफ को वापस जाएं। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग रोजगार हैं उनके ऊपर कितनी बीत रही है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मिजरी से लोग निकल रहे हैं, जिनकी जिनका एम्प्लॉयमेंट चले गई, सब कुछ घबराहट में है। इसके साथ वो उम्मीद उनकी भी जागेगी कि अपनी लाइफ को वो वापस आ सकते हैं, जो जो उनके 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 काम के जरिए थे वो वापस मिल जाएंगे, इकोनॉमी फिर वापस आ जाएगी और दुनिया फिर ट्रैक पे वापस आ जाएगी जो आजकल एक साल से डिरेल्ड है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, तमाम हालांकि सवालों का जवाब हमारे साथ डॉक्टर त्रिहान भी हैं, वो लगातार दे ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो लोगों के जहन में और है, सवाल नहीं उल्टा मैं इसको कहूंगी कि डर है। जो नया स्ट्रेन आया उससे भय डर और ज्यादा बढ़ गया है, क्या ये वैक्सीन उसमें भी उतनी कारगर होगी? अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, और वो तो बहुत ही प्रिलिमिनरी डेटा है, कि यूके में जो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो अभी सीरम इंस्टीट्यूट ला रहा है, उसमें से ऐसे लग रहा है कि वो म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी चलेगा। लेकिन अभी तो बहुत टाइम लगेगा ये कंफर्म करने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो वैक्सीन अभी तैयार हुए हैं, उनको इस तरह से तैयार किया गया है कि जल्दी वो बदल सकते हैं। देखिए, डॉक्टर ट्रियान बोले थे जनवरी में हमको पता चला, 11 जनवरी को चाइनीज ने वायरस का जीनोम रिलीज किया। 2 दिन में ही सिर्फ मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल ने वो वैक्सीन की तैयारी की और 2 महीने के अंदर पहला डोजिंग चला। तो ये बहुत ही जल्द चल रहा है। तो अगर ऐसा हो भी जाए कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन के साथ परफेक्ट तरह से कंट्रोल नहीं लाए, तो वैक्सीन को एडजस्ट करने में ज्यादा टाइम समय नहीं लगता है। बिल्कुल डॉक्टर तेहान, दो वैक्सीन है, देखिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों है, ये अब किस तरीके से डिसाइड होगा या फिर ये सरकार ही तय करेगी? क्या इसका आगे का प्रोसीजर होगा कि कहां पर कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, किसको किस कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि इसमें भी इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखो, ऐसा है कि आज के दिन ये दोनों अप्रूव हुई हैं, जी इनकी साइंस तो हमें पता है, तो के क्या क्या प्लेटफॉर्म, एक है वो एडिनो वायरस मीडिएटेड, दूसरी है किल्ड वायरस। तो इनकी एफिकेसी जो है आज के दिन, जो इंटरनेशनल ट्रायल्स भी है, इंडियन ट्रायल भी है, जो एस्ट्राजेनेका की है, उसमें कहते हैं कि 70-80% एफिकेसी है। जो आज डेटा कोविड शील्ड का हुआ है, कोविड कोवैक्सीन का, सॉरी, वो कोवैक्सीन का डेटा कह रहा है कि 50-60% है। ऑल्दो अगर जो आप दुनिया में वैक्सीन्स की हिस्ट्री देखेंगे, तो अगर जो 60% से ऊपर अगर जो किसी वैक्सीन की एफिकेसी है, तो वो मानी जाती है कि ये इफेक्टिव है। सो इसीलिए होने को तो दोनों इफेक्टिव होंगी, पर जो है हमारी फेमिलियरिटी बिकॉज ऑफ द ये क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी, उसकी वजह से ये हमें पहले मिल जाएगी, मेरे को लगता है कि काफी क्वांटिटी में। सो गवर्नमेंट में आजकल तो यही विचार लग रहा है मुझे कि
कि पहले तो एस्ट्राजेनेका को शुरू कर दिया जाए, उसके साथ साथ जैसे वो कोवैक्सीन आएगी वैसे वैसे उसका भी इस्तेमाल साइड बाय साइड हो सकता है। तो ये दोनों की सेफ्टी डेटा तो मिला है और एफिकेसी डेटा भी मिला है, और फिर ये चॉइस कैसे आएगी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और जब ये भी होगा कि गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई सप्लाई काफ़ी हो गई है तो प्राइवेट को भी प्रोवाइड करा जा सकता है, ये सब बातें आने वाले टाइम में पता लगेगी। बट अभी तो टोटली गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग कि कौन कहाँ क्या होगा।